अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं जय। न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज़ अपडेट्स पर। न्यूज़ अपडेट्स के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। राजस्थान में दो दिन पहले हुए गैंग वॉर में जख्मी भोपाल के फरार गैंगस्टर मुख्तार मलिक की मौत हो गई है। जख्मी मिलने पर गांव वालों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मुख्तार को अस्पताल में भर्ती कराया। जुम्मे सुबह 10 बजे उसने दम तोड़ दिया। उसके खिलाफ कई थानों में 58 सीरियस मामले दर्ज हैं। कश्मीर के हालत पर होम मिनिस्ट्री में बड़ी मीटिंग चल रही है। मीटिंग में अमित शाह के अलावा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोवल, रॉ चीफ, ग्राउंड आर्मी चीफ, डीजीपी दिलबाग सिंह, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह और एसएसबी के चीफ भी शामिल है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स में कोविड प्रोटोकॉल के सख्त पालन का ऑर्डर दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन संघी की बेंच ने कहा है कि जो लोग एयरपोर्ट पर और फ्लाइट्स में मास्क नहीं पहनते हैं उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि रूल्स का पालन किया जाना चाहिए, अगर कोई रूल्स ना माने तो उसे एयरपोर्ट या फ्लाइट से बाहर कर देना चाहिए। दिल्ली एनसीआर इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। जुनूबी मगरबी मानसून केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई हिस्सों में पहुंच चुका है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के लोगों को साल की पहली मानसून बारिश के लिए जून के आखिर तक का इंतजार करना होगा। हालांकि आईएमडी 103% बारिश का अंदाजा जता चुका है। मुल्क में रोजाना कोरोना के बढ़ते स्टैटिस्टिक्स ने चिंता बढ़ा दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4041 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कोरोना के एक्टिव केस 21177 हो गए हैं। नए मामले आने के बाद मुल्क में कुल मामले बढ़कर 4,31,68,151 हो गए हैं। हैदराबाद में एक माइनर के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। 3 माइनर्स ने मर्सिडीज में लड़की के साथ गैंग रेप किया है। बताया जा रहा है कि मुलजिम में एक एमएलए का बेटा है। हालांकि पुलिस इस गैंग रेप में उसके शामिल होने की अभी कंफर्मेशन नहीं कर रही है। पुलिस ने कहा कि मुलजिम 11वीं 12वीं का तुलबा है और सभी का बैकग्राउंड सियासी रसूख वाला है। वारदात 28 मई की है। लड़की के वालिद ने चारशुंबे 1 जून को मुलजिम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आईपीसी की सेक्शन 354 और पॉक्सो एक्ट के तहत जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करा लिया है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बॉलीवुड सिंगर केके की मौत के मामले में नई जानकारी सामने आई है। कोलकाता पुलिस के रिपोर्ट्स के मुताबिक केके ने अपने कॉन्सर्ट के पहले अपनी पत्नी ज्योति कृष्णा से उनके कंधों में दर्द की बात कही थी। उन्होंने 31 मई की सुबह अपने मैनेजर से भी कहा था, आज मैं बहुत लो फील कर रहा हूं, शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। मरकजी सरकार के कंज्यूमर मामलों के डिपार्टमेंट DOCA ने आज नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के साथ हुई मीटिंग में सर्विस चार्ज ना वसूलने को कहा है। दरअसल मुल्क भर के रेस्टोरेंट में कस्टमर्स से खाने पीने के बिल में सर्विस चार्ज जोड़कर मांगा जाता है। सरकार ने इस सर्विस चार्ज को गलत मानते हुए इसे ना वसूलने का ऑर्डर दिया है। सरकार जल्द ही इस पर नियम ला सकती है। पासवर्ड शेयरिंग से कई OTT प्लेटफॉर्म अच्छा खासा घाटा उठा रहे हैं। नेटफ्लिक्स ने बताया है कि जनवरी मार्च 2022 में दुनिया भर में 2,00,000 सब्सक्राइबर्स घटे हैं। ऐसा एक दहाई में पहले बार हुआ है। अंदाजा लगाया है कि दुनिया भर में नेटफ्लिक्स के 22.2 करोड़ सब्सक्राइबर दीगर 10 करोड़ लोगों से पासवर्ड शेयर करते हैं। एम्बर हर्ड और जॉनी डेप केस में 4 शुंबे को फैसला आया था, जिसमें दोनों को दोषी माना गया है। हालांकि एम्बर से ज्यादा दोषी मानते हुए कोर्ट ने उन्हें डेप को $15 मिलियन तकरीबन 116 करोड़ देने का ऑर्डर दिया था। हाल ही में एम्बर के वकील ने कहा कि एम्बर अपने एक्स पति डेप को $10 मिलियन यानी लगभग 80 करोड़ रुपए देने की हैसियत में नहीं है। न्यूज अपडेट्स के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद।
मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। न्यूज अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।